कृषि और पशुपालन का साथ चोली दामन का है। पशुधन कृषि का महत्वपूर्ण अंग समझा जाता है। इसके द्वारा हमारे किसानों को जीविका के नए अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन पशुपालन हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। इसका मुकाबला करने के लिए एनटीपीसी सीपत ने नैगम सामाजिक दायित्व कार्यक्रम के अंतर्गत पशु एवं चारा विकास की पंचवर्षीय योजना तैयार की है। इसमें पशु के साथ चारा विकास को भी शामिल किया गया है। देवरी, दर्रा भाटा, धनिया, गतौरा एवं कुकदा में पशुधन विकास केंद्र को स्थापित किया गया है। इसी प्रकार चारा विकास के लिए भी एक विशेष केंद्र बनाया गया है। इन केंद्रों के आसपास स्थित 44 ग्राम के हजारों किसानों के पशुओं की देखभाल को सुनिश्चित करने का काम जून 2017 से निरंतर किया जा रहा है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 156.86 लाख रुपए है। आपके पास इलाज की सुविधा नहीं है तो आप एनटीपीसी के द्वारा जो विस्तार बैठक के साथ साथ पशु चिकित्सा शिविर जो मुफ्त में होता है और गांव में प्रोवाइड होता है, उसमें गोपाल आते हैं, डॉक्टर आते हैं, ये सभी से सलाह ले करके आप वहाँ पर इलाज करा सकते हैं। क्योंकि कुछ गरीब के पशुपालक ऐसे होते हैं, अगर बीमार पड़ता है तो 1000-2000 खर्च करने के लिए कतराते हैं। उनके पास पैसे नहीं होने के कारण जो है गाय ख़त्म हो जाता है, बीमार रहता है, उनको दूध की कमियाँ हो जाती है, जिससे उनको बहुत नुकसान होता है। इसके अलावा पशु आश्रय की बेहतर व्यवस्था, शेड का निर्माण, हवा का प्रबंध, चारा परोसने का बर्तन और उसकी सफाई जैसी बुनियादी बातों की भी जानकारी किसानों को दी जाती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है पशु को स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन प्रदान करना। केंद्र के द्वारा पशुओं को अलग अलग मौसम के अनुसार पौष्टिक चारा भी उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए पशुपालक किसानों को चारा, बीज, अकोला आवश्यकता के अनुसार वितरित होता है। हरा चारा नहीं था मेरे पास तो दूध का प्रोडक्शन कम था, दाना भी ज़्यादा लगता था मेरे को, दूध का प्रोडक्शन भी कम होता था। उस समय मेरे पास 80 से 90 लीटर के आसपास होता था, अभी 200 के आसपास होता है मेरा। पशुधन विकास केंद्र के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था पशुपालक किसानों के लिए एक वरदान है। अब तक इन 5 केंद्रों के द्वारा 7303 कृत्रिम गर्भाधान किए जा चुके हैं। जो नए नए प्रयोग होते रहते बड़े जगह में, वो सब की जानकारी मुझे देते हैं। तो आज ऐसा करते करते मेरे पास 30 बड़े जानवर हैं और एनटीपीसी के द्वारा एआई जो किया गया है उससे मेरे 28 बच्चे हैं और सभी स्वस्थ हैं बच्चे। कौड़िया के एक पशुपालक है धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, जिन्होंने 10 गाय से शुरू किया था और आज उनके पास में 28 गाय है। उनके यहाँ आज कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा जो है 26 काफ आए हुए हैं, जिसमें 16 फीमेल है और 10 जो है मेल है। केंद्र के द्वारा पशुपालक किसानों को पौष्टिक चारे की विस्तृत जानकारी के साथ उसमें मौजूद पोषक तत्वों, उससे लाभ से संबंधित बातों की भी जानकारी प्रदान की जाती है। केंद्र के द्वारा अब तक 650 पशुपालक किसानों को शरगुम, 120 को बरसिम, 157 को नेपियर, 84 को ओट्स, 650 को मक्का, 750 को अजोला इत्यादि का वितरण और प्रदर्शन किया गया है। इसके अलावा 750 पशुपालक किसानों को पैरा चारा यूरिया उपचार का उत्पादन कैसे किया जाए, इसकी जानकारी जीवंत प्रदर्शन के द्वारा दी गई है। चाराधन विकास केंद्र ने चारा काटने की मशीन, जिसे पैरा कटिया कहते हैं, का वितरण 150 पशुपालक किसानों को निशुल्क किया है। पशुधन विकास केंद्र के द्वारा समय समय पर पशु चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जाता है। एनटीपीसी सीपत के द्वारा पशुधन एवं चाराधन विकास की परिकल्पना निसंदेह हमारे पशुपालक किसानों के लिए वरदान है, साथ ही हमारी सामाजिक दायित्व का बेहतरीन परिचायक और राष्ट्र निर्माण के प्रति वचनबद्धता का संकेत है। ये दायित्व इसी प्रकार हमेशा और हमेशा जारी रहेगा।